जब आपको कुछ टेस्टी खाने का मन हो तो तुरंत बना लो अंडा कड़ी। उसके लिए लेंगे हम स्वाद अनुसार मिर्च, 4 लहसुन और 4 प्याज और एक बड़ा टमाटर, उसको काट लेंगे। कुकर में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसको करेंगे फटाक से गरम। फिर उस ऑयल में जीरा डालेंगे, लहसुन, मिर्च और प्याज, और इन सबको तब तक भूनेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए पूरी तरह से। अब हमारी प्याज पूरी तरह से गोल्डन हो चुकी है। अब बारी आ गई मसाले डालने की। मसाले में लेंगे चिकन मसाला, हल्दी और गरम मसाला। ज्यादा मसाला नहीं डालना है क्योंकि अगर ज्यादा मसाला पड़ेगा तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। मसाले को कुछ देर भूनने के बाद हम डालेंगे टमाटर और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल छोड़ ना दे। ऑयल एकदम पूरा ऊपर आना चाहिए। अब बारी है हमारे अंडे डालने की। और एक चीज कभी मत भूलना, इसमें सारे अंडों में कट लगा देना बीच में। अब हम ऐड करेंगे वाटर इच्छा अनुसार। जब तक ये पकता है तब तक हम धनिया काट लेंगे। कुछ देर पकने के बाद धनिया डाल के और इसको ढक देंगे। ढकने के बाद वहां से हट जाओ, वहां नहीं रहना। फिर 5 मिनट बाद आओ, निकालो और इसको टेस्ट करो। इसकी ग्रेवी मोटी ही बनाना, तभी मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।